शानदार। मिड विकेट का खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर कर दिया था जेम्स एंडरसन ने, और वही गैप मिल गया सचिन तेंदुलकर को। फिर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एक घुटना जमीन पे लगा के और बल्ले का चेहरा खोला आखिरी समय पे, क्योंकि गेंद जो है वो बिल्कुल जमीन पे रहनी चाहिए। चहलकदमी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अब इतने बढ़िया तरीके से फाइन लेग अंदर है तो इस चतुराई से खेलता है ये बल्लेबाज। गेंद में कोई खराबी नहीं थी यहां पर, शानदार। एक और अर्धशतक सचिन तेंदुलकर के बल्ले से भारतीय टीम के लिए ये रन्स बना। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा फिगर करते हैं उस लिस्ट में, और क्यों करते हैं उसकी कोई रीजनिंग नहीं है। कैच इट का कॉल था, मौका था वहां पे, क्या छलांग सही समय पे लगाई थी ट्रमलेट ने। और सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे तरीके से उसको जानते भी हैं। एक और बाउंड्री, फिर वही निचले हाथ का ज्यादा इस्तेमाल, जहां बहुत बढ़िया, बहुत ही चतुराई से चार रन बटोर लिए सचिन तेंदुलकर ने। बहुत ज्यादा गति नहीं है इन कंपैरिजन टू फ्लिंटॉफ। ताकत का इस्तेमाल क्यों करना, ताकत का इस्तेमाल तब करिए जब करने की जरूरत है, जैसे यहां किया गया है। ये देखने वाली बात है, यहां थोड़ी सी दिक्कतें पेश हो रही हैं, क्योंकि आप देखें तो बाएं हाथ में थोड़े से क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं यहां सचिन तेंदुलकर। अपील करी है और दे दिया, अंपायर ने निर्णय गेंदबाज के पक्ष में दे दिया। मुझे तो ये कुछ डिबेटेबल सा डिसीजन लग रहा है। आइए एक बार फिर देखते हैं। ओ, कोनी के पास गेंद लगी थी, आर्म गार्ड जो उन्होंने पहना है उस पे आके गेंद लगी थी, इसलिए उसको अंदाजा लगाना शायद कठिन है। लेकिन सचिन निश्चित तौर पे निराश हुए, हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 99 पे आउट हुए थे और यहां भी 99 रन बना के बाहर।